हे गाइस, नवाजियर फ्रॉम द nerdhound.com और आज हम बात करने वाले हैं वॉचमैन के बारे में। वॉचमैन डीसी कॉमिक्स लाइनअप का हिस्सा है जिसके क्रिएटर हैं एलन मूरे। ओरिजिनली डीसी ने ये कॉमिक्स 1986 और 1987 के बीच रिलीज किए थे, जिसके बाद ये एक इंस्टेंट हिट कॉमिक सीरीज बन गई थी। वॉचमैन का अपना खुद का सेपरेट सुपर हीरो यूनिवर्स है। एलन मूरे पहले तो इस कॉमिक्स के सिर्फ 6 ही ओरिजिनल इशूज लिखने वाले थे, बट बाद में एक एक नए कैरेक्टर्स की डिटेल स्टोरी लिखने के चक्कर में ये 6 के 12 कॉमिक्स हो गए थे। डीसी कॉमिक्स को नहीं लगा था कि ये कॉमिक सीरीज इतनी पॉपुलर होगी। बाद में और पैसा कमाने के चक्कर में डीसी ने इसके बहुत सारे वर्जन्स बनाए, रिसेंटली बैक स्टोरीज रिलीज की, और 2009 में हमारे अंधेरे के पुजारी जैक स्नाइडर भैया ने इस पर एक लंबी सी मूवी भी बनाई थी। बट फैंस और इसके क्रिएटर दोनों को ओरिजिनल स्टोरी ही ज्यादा पसंद है। वॉचमैन की स्टोरी काफी डार्क और इंटेंस है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, क्या सही है और क्या गलत। सी 1986 में कॉमिक बुक्स इस तरह की डार्क स्टोरीज पर नहीं ध्यान देते थे, शायद इसीलिए वॉचमैन इतना फेमस हो गया ड्यू टू इट्स ग्रोन अप स्टोरीज। वॉचमैन की एक्चुअल स्टोरी लाइन काफ़ी लंबी है और इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। HBO का रीसेंट वॉचमैन टीवी शोज देखने के लिए आपको इतना सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट जान लो और जाके शो एंजॉय करो। इवन HBO ने भी कहा है कि उनका शो कॉमिक बुक या मूवी का डायरेक्ट सीक्वेल या प्रीक्वेल नहीं है, बल्कि एक स्टैंड अलोन रीमिक्स शो है। ये कहानी है 80 के दशक के अमेरिका की, जहां इनकी दुनिया में सुपर हीरोज मौजूद हैं। इनमें से एक्चुअल सुपर पावर वाला हीरो है डॉक्टर मैनहट्टन, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने फ्यूचर और पास्ट में देख सकता है, बिना ऑक्सीजन स्पेस में रह सकता है, एटम्स क्रिएट कर सकता है और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर अपने दुश्मन की धज्जियाँ उड़ा सकता है। क्वांटम फिजिक्स एंड शिट, बेसिकली ही इज़ अ गॉड। कहानी के दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मिडल एज्ड हीरो कॉमेडियन ओजिमैंडियस, जो होता है दुनिया का सबसे एक अकलमंद इंसान, द नाइट ओल, जो कि उल्लू के जैसे ड्रेसअप करके अपने गैजेट्स की मदद से बुराई का सामना करता है, रोरशैक, ओह प्रोबेबली सबका फेवरेट कैरेक्टर, जो सबसे कूलेस्ट सुपर हीरो मास्क पहनकर रात में हीरोगिरी करता है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सिल्क स्पेक्टर 2, जो होती है ओरिजिनल सिल्क स्पेक्टर 1 की बेटी। सिल्क स्पेक्टर 2 और उसकी मम्मी के बीच कोई खास नहीं जमती, क्योंकि अपनी जवानी में कॉमेडियन ने ओरिजिनल सिल्क स्पेक्टर का रेप करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भी वो कॉमेडियन की फ़ैन थी। सिल्क स्पेक्टर 2 को उसकी मम्मी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उसे कॉमेडियन से घिन आती है और इसीलिए माँ बेटी के रिलेशन में दराड़े आती हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स। हाँ, वॉचमैन के यूनिवर्स में डॉक्टर मैनहट्टन को छोड़कर बाकी सारे सुपर हीरोज डिप्रेस्ड और ब्रोकन आम लोग होते हैं, जो अपने दिमाग को शांत रखने के लिए हीरो या विजिलेंटे बनते हैं। कहा था ना, इट्स डार्क डिप्रेस्ड एंड इंटेंस। ये हो गया बेसिक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, और अब मैं करूंगा फटाक से सारा प्लॉट एक्सप्लेन। सो ऑब्वियसली अगर आप वॉचमैन मूवी देखने या सारी कॉमिक बुक सीरीज पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो यहीं रुक जाइए, काफ़ी बड़े स्पॉयलर्स आने वाले हैं। वॉचमैन अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, एक टाइप के सुपर सोल्जर्स, बट बाद में हर एक सिरफिरा मास्क पहनकर अपने आप को सुपर हीरो बुलाने लगता है। देश की अवाम और गवर्नमेंट अब इन मनमानी करने वाले सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर हीरो से तंग आ गई होती है और उन पर बैन लगा देती है। अमेरिकन गवर्नमेंट फिर बाकी सारे वॉचमैन को रिटायर करती है और सिर्फ डॉक्टर मैनहट्टन और कॉमेडियन को काम पर रखती है, बट सीक्रेटली रोरशैक अभी भी रात में अपने प्राइवेट मिशंस अंजाम दे रहा होता है। सिल्क स्पेक्टर 2 को फिर पता चलता है कि उसके मम्मी और कॉमेडियन के बीच वाला संबंध कुछ ज़्यादा ही गहरा है और वो खुद कॉमेडियन की नाजायज़ औलाद है। आउच। डॉक्टर मैनहट्टन के कमाल की नॉलेज और सुपर पावर्स की मदद से 1980 की दुनिया काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाती है और नए नए इन्वेंशन करने लगती है। इसी तरक्की और इन्वेंशन के चक्कर में पावर को लेकर कंट्रीज के बीच कोल्ड वॉर शुरू होने लगता है। दुनिया के ऊपर अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगता है। अमेरिका के पास डॉक्टर मैनहट्टन जैसा पावरफुल सोल्जर है, उसका सामना करना है तो दे हैव टू ब्रिंग आउट द बिग गन्स, मरो या मारो वाली सिचुएशन। एज यूजुअल रशिया यानी तब का सोवियत यूनियन अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी देता है और दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त तनाव बढ़ जाता है। इसी दौरान ओजिमेंडियस यानी दुनिया के सबसे अकलमंद इंसान के दिमाग में इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक अजीब सा आइडिया आता है। दो दुश्मनों को अगर दोस्त बनाना है तो उन्हें एक कॉमन दुश्मन दे दो। मतलब अगर ओजिमेंडियस ने यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में काफ़ी बड़े खतरे मौजूद हैं जिनका सामना करने के लिए सारे देशों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये लोग आपस में लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर काम करें। बट ये करने के लिए ओजिमेंडियस को अब एक खतरा ढूंढना पड़ेगा, ऐसा खतरा जो अमेरिका और सोवियत यूनियन को एक साथ मिलकर काम करने पर मजबूर करे। इन शॉर्ट, वो खतरा सचमुच में खतरनाक होना चाहिए।
ओज़िमेंडियस फिर प्लान बनाता है कि वो कुछ होनहार साइंटिस्ट की मदद से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉन्स्टर स्क्विड बनाएगा, मतलब ये चीज़, और फिर उसको न्यूयॉर्क की आम जनता के ऊपर डाल देगा। यह मॉन्स्टर स्क्विड के न्यूयॉर्क पर गिरते ही लाखों मासूम लोगों की जाने जाएगी, बट बाद में वो उसे एक एलियन अटैक बताकर दुनिया के पावरफुल देशों को एक कॉमन दुश्मन दे देगा। इसका प्लान होता है लाखों मासूम लोगों को मारकर करोड़ों मासूम लोगों की जाने बचाना। कहा था ना, इट्स डार्क बेबी। ओज़िमेंडियस का प्लान तो काफ़ी अच्छा है, बट इसमें एक रुकावट है, द वॉचमैन, और लेट जस्ट से बचे कुछ वॉचमैन, डॉक्टर मैनहट्टन, कमेडियन और रिबेल रोरशैक। बट फिर ओज़िमेंडियस अपना दिमाग यूज करके इसका भी सोल्यूशन निकाल देता है। वो कमेडियन को प्लान बनाकर मार देता है, रोरशैक को फंसाकर जेल में डाल देता है, और सबको यकीन दिलाता है कि डॉक्टर मैनहट्टन की मौजूदगी से उसके आसपास वाले लोगों को कैंसर होता है। उसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन धरती छोड़कर मार्स पर जाता है और उधर जाकर अपनी दुनिया बसा लेता है। एक ही झटके में तीनों प्रॉब्लम सॉल्व। कॉमेडियन की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बचे हुए वॉचमैन एक साथ आते हैं, नाइट ऑल और सिल्क स्पेक्टर 2 फिर जाकर रोरशैक को जेल से भगाते हैं, पर तीनों कॉमेडियन के कातिल की तलाश में निकल जाते हैं। इन तीनों को फिर ओज़िमेंडियस के प्लान के बारे में पता चलता है। रोरशैक फिर ओज़िमेंडियस के प्लान के सारे सबूत अपनी जर्नल में लिखता है, द रोरशैक्स जर्नल, ताकि अगर फ्यूचर में उसे कुछ हो जाए तब भी उसके जर्नल के जरिए लोगों तक सच्चाई पहुंच जाए। इट्स लाइक अ बैकअप प्लान। इससे पहले कि ये लोग ओज़िमेंडियस को रोक लें, काफ़ी देर हो गई होती है। मॉन्स्टर स्क्विड न्यूयॉर्क सिटी पर गिर जाता है और लाखों मासूम लोगों की जाने लेता है, और इसी के साथ ओज़िमेंडियस का प्लान सक्सेसफुल होता है और वो दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के खतरे से बचाता है। उसने सच में लाखों लोगों की जाने ले ली ताकि वो करोड़ों लोगों को बचा सके। तो इसने सही किया या गलत, फैसला आपको करना है। डॉक्टर मैनहट्टन फिर वहां आकर रोरशैक को ये सच्चाई दुनिया वालों के सामने लाने से रोकने की कोशिश करता है। डॉक्टर मैनहट्टन को लगता है कि अगर ये सच दुनिया वालों को पता चल गया तो वो समझ जाएंगे कि ये एलियन स्क्विड जैसे कोई खतरा मौजूद नहीं है, और फिर से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा और लाखों लोगों की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। बट रोरशैक उसे बताता है कि हर एक जान की कीमत एक है, और वो अपने जीते जी ये सच दुनिया वालों से छुपने नहीं देगा। डॉक्टर मैनहट्टन फिर रोरशैक को मार देता है और वापस मार्स चला जाता है। और ये हो गई वॉचमैन सीरीज की ओरिजिनल स्टोरी लाइन। HBO का TV अडेप्शन ये स्क्विड वाले हादसे के 30 साल बाद वाली कहानी कंटिन्यू करेगा, जिसमें ओज़िमेंडियस और रोरशैक की जर्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जाइए अब जाके वन ऑफ द बेस्ट शो ऑन द टेलीविजन एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोज बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।